लेट्स टॉक अबाउट डाइजे ऑफ प्रोटीन्स बाई पेनक्रियाटिक जूस अब ये जो डाइजेशन है ये इट टेक्स प्लेस इन द इंटस्टाइन डिडेनम के लेवल पर यह डाइजेशन टेक प्लेस कर रही है लेकिन जो पेनक्रियाज से हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस से क्रिएट हो रहा है वो डिवडेनम में एंटर होता है और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको डाइजेस्ट करता है वो पेनक्रियाटिक जूस उसमें तीन तरह के एनसाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों को डाइजेस्ट करते हैं जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो दो तरह के हैं एंडोपैपटेडेज भी प्रेजेंट है उसमें और एक्जोपैपटाइडेज भी एंडोपेप्टाइडेज आर ट्रिप्सिन वो कर्बोसी पैप्टा हैं वो पैप्टोट जो कार्बोक्सी एंड पे अटैक करते हैं और बॉन्ड ब्रेक करते हैं पेप्टाइड ये जो एंजाइम्स हैं दीज रिक्वायर जिंक फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग और इनकी दो टाइप्स होती हैं ए एंड बी जिनका बहुत ही को रिलेटिव फंक्शन है अब एक्टिवेशन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है दैट इज एंटेरोपैप्टाइडेज या एंटेरोइनेज एंटेरोइनेज जो है वो इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है हमने स्टमक में देखा था कि जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इसी तरह जो ये एंजाइम्स हैं ये भी अन रिएक्टिव फॉर्म में या एक स्टेबल uh, फॉर्म में रिलीज होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होती जाइमोजेनिक फॉर्म में रिलीज होते हैं उसके uh, जो फिर उस पर एक्शन हो रहा है वो एंटेरोकाइनेस एक्ट कर रहा है वो ट्रिप्सिनोजेन को नॉन एक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो trypsin उनमें सिर्फ फर्क सिर्फ सिक्स अमाइनो एसिड का है वो निकल जाए तो ट्रिप्सिनोजेन को हम ट्रिप्सिन कह देंगे और ये करवा रहा है काम एंटेरोप्ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्टेड इंटू कामोट्रिप्सिन बाई ट्रिप्सिन

स्टमक से हमारे पास शॉर्ट चेन्स आ रही थी पेप्टोन्स और प्रोटीन्स की वो इनको वो डाइजेस्ट करवाएंगे और ए, फर्दर स्मॉलर चेन्स में या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करवा देंगे मतलब एक एक अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाएगा या बहुत छोटी सी चेन प्रेजेंट होगी दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टू सिक्स अमाइनो एसिड्स दे आर फर्दर ब्रोकन बाय करबोक्सी अब वो जो स्मॉल स्मॉल चेन्स प्रेजेंट होंगी उस पर फर्दर कर्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट कर लेगा उस चेन से फर्दर वो कार्बोक्सी एंड से पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करवा लेगा तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो एमाइनो एसिड बन जाएगा और फिर उसकी एब्जॉर्बेशन हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट फी एमाइनो एसिड्स एंड वेरी शॉर्ट चेन्स पी एच जो है पेनक्रियाटिक जूस से हमारे पास बाई कार्बोनेट्स आ रहे हैं और जो बाइल है दैट इज़ एल्के्कलाइन इन नेचर तो जो डिओडेनम के लेवल पे पीएच होगी वो बेसिक होगी इसकी वजह से पीएच जो है वो होगी इट ड्यू टू बाइल प्लस बाइकार्बोनेट्स और ये जो एंजाइम्स एक्टिव हैं ये इनकी ऑप्टिमम पीएच भी बेसिक है इसीलिए जो डिटेन की पीएच है वो बेसिक रखी जाती है बाय द बाइल एंड बाइकार्बोनेट्स अब ये जो सिक्रीशन है इन एंजाइम्स की या पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है जो प्रोटीन्स की अल्टीमेटली डाइजेशन करवा रही है ये किस चीज़ से रेगुलेट हो रही है ऑब्वियसली रेगुलेटिंग मोस्टली हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो हारमोन्स हैं कोलियोसस्टोकिन सीसी के एंड पेनक्रियोजाइमिन जब ये स्टिमुलेट होंगे इनकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाएगा तो ये ब्लड में जाएंगे ब्लड से ये फिर एक्ट करेंगे सेल्स uh, पे बॉडी के जो पेनक्राटिक जूस सिक्रीट करवा देंगे और फिर वो ड्यूटेनम में जाके प्रोटीन की डाइजेशन करवा देंगे अगर हमने प्रोटीन डाइजेशन इनहिबिट करवानी है तो इनकी इनहिबिशन करवा देंगे एज अ रिजल्ट जो प्रोटीन डाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगी दैट इज़ ऑल अबाउट पेनक्राटिक जूस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स